गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, आज हम लोग मोशन का पार्ट टू करेंगे। कल मैंने पार्ट वन करवाया है और वो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट रहा और काफ़ी लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने उसमें बारीकी से सभी चीज़ को डिस्क्राइब किया है। जो कि पार्ट टू में यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में अच्छी तरीके से और बढ़ेगा, क्योंकि जो भी पिछला क्लास होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा सा पॉइंट होता है जो कि आगे हम लोग को समझने में काफ़ी हेल्प मिलता है। यदि आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जाके पहले पार्ट वन को देखिए, तब जाके पार्ट टू आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो, क्योंकि यदि वीडियो ज़रूरत लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो वे लोग नहीं समझ पाएंगे, और इससे बढ़िया है कि वे बीच में आए। यदि शुरू में आ जाएंगे तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। यदि वे शुरू में आते हैं तो उनको शुरू से ही सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाई का एक ही रूल है, यदि आप शुरू से हो तो आपको समझ में आएगा। फिल्म बीच से देखने से नहीं समझ में आता, यदि शुरू से देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है और समझ में आता है। कोई भी मूवी आप देख रहे हो, बीच में बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यदि कोई पढ़ना चाहता है तो उन तक आप वीडियो को शेयर करो, पहुंचाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज मोशन का पार्ट टू करेंगे। क्या क्या है हमारे मोशन में पार्ट टू के? कल तो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जिसको मैंने बारीकी से समझाया है। आप जाके पिछले पार्ट को देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का जो भी लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप जाके उस वीडियो को देखिए, पार्ट वन को, ताकि पार्ट टू आपको और बारीकी से समझ में आए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। यहाँ पे उससे पहले कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको पहले देख ले। क्या, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। ये कितना भी छोटा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है। सपोज डैट आप 1 मिनट में 80 किलोमीटर चले गए, 80 किलोमीटर तो नहीं जा पाओगे 1 मिनट में, कोई कीमत पे नहीं। रॉकेट में बैठोगे तभी शायद पॉसिबल है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि टाइम मैटर नहीं करता, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम। मान लीजिए आप 35 किलोमीटर गए अपने बाइक से या अपने कार से, तो वो हमको यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है कितने देरी में हम कितना गए। यदि आप 2 घंटे में भी चल गए 35 किलोमीटर तो वो मैटर नहीं करता है, वो तो निर्भर करता है आप किस तरह से जा रहे हो। मतलब क्या आपका मीडियम है जाने का, कहने मतलब मीडियम इन व्हाट सेंस, आप पैदल जा रहे हो या बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या फिर एरोप्लेन से जा रहे हो। इसलिए यहाँ कहता है नो मैटर हाउ टाइम इज स्मॉल। इसका कहने का मतलब यही है कि यूनिफॉर्म मोशन में तभी है जब जब कोई इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स आप 4 घंटा चले, पहले घंटे में जितना चले उस दूसरे घंटे में भी उतना ही चलना, दूसरे घंटे का जो गैप है उसमें भी उतना ही चलना है। 2 से 3 घंटे में जो चल रहे हो और 2 से 3 घंटे में जो चले, 3 से 4 घंटे में चले, ये दोनों सेम रहना चाहिए। मीन्स क्या, इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आवर है, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो पहले जो 1 से हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए, 1 घंटा हो गया हमारा, 1 से 2 बज गया, तो 1 घंटा में मान लीजिए हम गए हैं 40 किलोमीटर, तो 2 से 3 जो जाएंगे ना, 2 बजे से जो 3 बजे तक जाएंगे, उसमें भी हमको 40 ही किलोमीटर जाना होगा, तभी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। यदि हम इसमें 30 किलोमीटर जाते हैं ना, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन रहा ही नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म आज में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटरवल ऑफ टाइम है, मीन्स 2 से 3 मतलब 2 बजे से 3 बजे तक में हम 40 किलोमीटर गए, फिर अगले अगले घंटे मीन्स 3 से 4 के बीच हम लोग गए 40 किलोमीटर, फिर अगले 4 से 5 बजे के बीच हम लोग जो गए वो भी गए 40 किलोमीटर, तो ये हमको बताता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन में 40 40 सब में 40 आ रहा है। यदि किसी में हम 30 गए, किसी में 20 गए, किसी में 100 चले गए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाता है। इसको ऐसे समझिए, कहने
कहने का मतलब यही है कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स हम मैंने क्या बताया, 1 बजे से 2 बजे के बीच, मतलब एक घंटे में 40 ही गए, फिर 2 से 3 बजे के बीच, मीन्स यहाँ पे भी 1 ही घंटा हो रहा है तो 40 किलोमीटर गए, तो यही पूरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक एक घंटे पर, इसका कहने का मतलब यही है। तो हमको यूनिफॉर्म मोशन वो देता है। यहाँ पे देखिए क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ये एग्जाम में आता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, क्रॉस होता है, तो आपको बताना है स्ट्रेट लाइन होता है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। मैंने बताया 40 चला फिर 20 चल दिया तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आता, तो यहाँ पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारा क्या देता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये घड़ी है, 1 बजा 2 बजा, दोपहर का 3 बजा 4 बजा 5 बजा, हम पैदल चल दिए, 1 घंटा में कितना चले, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हम कितना चले, मान लीजिए गए 3 ही किलोमीटर चले, फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच हम चले, तो मान लीजिए चले हम 1 ही किलोमीटर चले, फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच चले 2 किलोमीटर चल दिए, तो ये हमारा अलग अलग डिस्टेंस बता रहा है, जो कि क्या नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस है, ये क्या है अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल टाइम। इस टाइम गैप कितना है, 1-1 घंटे का गैप है, 1 से 2, फिर 2 बजे से 3 बजे, फिर 3 से 4, 1-1 घंटे का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ जो दिया हुआ है, मैं आपको फिगर बना बना कैसे समझा दिया हूँ, ऐसे ऐसे करके 1, 2, 3, 4 लिख कर, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है कुछ खास। और यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये क्या है, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इस एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो उसका स्पीड बढ़ते चला जाता है। नॉन जैसे कि कोई हम छत पे गए, छत से एक बॉल गिराए, तो उसका जो मोशन है नीचे गिरने का, वो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, इसीलिए उसका उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर यहाँ पे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व, ठीक है। क्या होता है, कर्व होता है, मीन्स जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसका कर्व आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लिख लो। यूनिफॉर्म मोशन में कर्व क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब एक मिनट यूनिफॉर्म मोशन में हमारा क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, कर्व देता है। ये दोनों आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा और इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे आगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। फिर यहाँ पर क्या है, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट द मोशन इज यूनिफॉर्म, जो भी मैंने बताया वही है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। आप लोग को एग्जाम में यहाँ पे एक चीज़ और, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड, फ्री फॉलिंग बॉडी इज नोन एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सब पॉइंट है, बारीक पॉइंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में, पूछेगा ही, पूछता नहीं है, पूछेगा, इसको घुमा के पूछेगा, ये नहीं कि हाँ ऐसे तो उठा के दे दिए, इस तरह से कभी नहीं देता है वो, आपको चेक करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट लो मुझसे, समझो क्या है, क्या कौन वर्ड कैसे एक्सेलरेट करना, किस वर्ड को कैसे समझना है। तो
जो मैं ऊपर पढ़ाया था अभी वही चीज़ आ गया है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन घुमा के कैसे देता है ना, कि मान लीजिए आपको ये टाइम और डिस्टेंस ग्राफ दे देगा और ऐसे बता देगा, बताइए क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। कभी कभी ग्राफ दे के पूछ देगा कि बताइए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यदि कर्व आपको दिख रहा है ग्राफ तो बोल दीजिएगा फट से नॉन यूनिफॉर्म है, और यदि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो आप फट से समझ लीजिए क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। उल्टा भी देता है, सीधा भी देता है, किसी तरह भी दे सकता है। स्ट्रेट लाइन बना देगा, बोलेगा बताइए क्या चाहिए, तो आपको बता देना फट से यूनिफॉर्म मोशन है। यदि कर्व पूछेगा तो फट से बता देना नॉन यूनिफॉर्म है। फिर आ जाइए यहाँ पे, क्या है स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, और कुछ तो नया छूट रहा है यहाँ पे, यहाँ पे और कुछ भी नहीं छूट रहा है। यहाँ पे देख लेते क्या है स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कोई भी मतलब स्पीड है, स्पीड हमारा क्या बताता है कि कोई बॉडी मतलब एक एक तरह का आइडिया है, ये आइडिया देता है कि कोई बॉडी है वो स्लो जा रहा है या फास्ट जा रहा है, वो क्या देता है आइडिया देता है। स्पीड हमको क्या देता है, एक आइडिया देता है किसी बॉडी, यदि कोई बॉडी स्पीड में जा रहा है तो वो एक आइडिया देता है क्या कि वो स्लो है या फास्ट है, बस और कुछ नहीं, इसका यही है। फिर क्या दिया, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट्स पर यूनिट टाइम। ये समझ में आ रहा है पर यूनिट टाइम, इसका मतलब स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, बस यही है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, वही हमारा पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका साधारण मीनिंग यही है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जितना हम डिस्टेंस गए हैं और जितने टाइम में वहाँ तक पहुँचे हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपका स्पीड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें, कोई भारी चीज़ नहीं है, आराम से समझिए समझ में आएगा। अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो स्पीड को वी से करते हैं, डिस्टेंस को एस से करते हैं, और टाइम को टी से करते हैं। अब आप बोलिएगा सर वी से क्यों करते हैं, तो आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग को ये समझ में आएगा कि इसको क्या होता है। फिर आइए आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, वैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल क्या दे दिया है ना। सपोज़ अ कार कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, मीन्स क्या 100 किलोमीटर या 4 घंटा, तो इसका स्पीड निकाल ली, स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाय टाइम था, निकाल दीजिए 25 आ जाएगा, स्पीड क्या 25 किलोमीटर पर आवर था, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सबसे छोटा सेंटीमीटर पर सेकंड किस में होता है, इस सबको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन इज मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, दैट इज दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड, देयर फॉर द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, ये जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है मीन्स क्या, डिस्टेंस का यूनिट हम लोग मीटर में करते हैं और टाइम का हम लोग सेकेंड में करते हैं, इसीलिए मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं सबसे छोटा, और हायर में जाएंगे तो हायर स्पीड में जाएंगे तो किलोमीटर पर आवर में करेंगे, इसको याद रखिएगा। आपको ये भी पूछ सकता है स्पीड इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो आपको बताना है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्यों रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कल ही मैंने आप सभी को बताया है कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने शुरू में ही आ जाता हूँ यहाँ पे आपको फिर से, नहीं तो आप लोग बोलोगे पढ़ाए नहीं सर। यहाँ देखो दो तरह का यूनिट था, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर होता है। स्केलर में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो अभी हम लोग
स्केलर, तभी हम लोग का यहाँ पे क्या था, स्केलर आया था, जो कि स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या, हाँ स्पीड गया, स्पीड 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 स्पीड, हाँ स्पीड। तो स्पीड हमारा क्या है यहाँ पे, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ ए कार एट एन एट एनी स्टैंड ऑफ टाइम सोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। आपके बाइक में जो मीटर बताता है स्पीड का, वो स्पीडोमीटर उसको कहते हैं, विच इज फिक्स्ड इन द कार। द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इज मेजर्ड बाई अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। और आपका जो उसमें मीटर जैसा बना रहता है ना, घड़ी जैसा मतलब बना, जैसे आर्ट सा इधर रहता है, तो ये सब जो होता है ना, चलते चलते जैसे ये इधर वाला चलते जैसे जाइएगा दूर, उस सबसे राइट साइड वाला बढ़ते चले जाता है, तो इसको हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं, जो है ना पूरा ऑडोमीटर। और जो पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। ऑडोमीटर हमारा इंस्टॉल रहता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, मीन्स जितना डिस्टेंस हम लोग कवर किए हैं, ठीक है, उस बाई टोटल टाइम, जितना टाइम लगा उतना पूरा कवर करने में, उसको हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, समझे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सभी का, दिया हुआ टोटोइज का इतना होता है, ह्यूमन वॉकिंग का इतना होता है एवरेज स्पीड, ह्यूमन रनिंग जो रनिंग करते हैं इनका इतना होता है, बर्ड्स का इतना होता है, चीता फास्टर फास्ट कार, साउंड इन एयर कितना होता है इतना होता है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आपको पूछ देगा साउंड इन एयर बताइए, स्पीड क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये पूछ देगा, ये चीज़ पूछता है। फिर पूछ देगा आपको लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये दोनों याद कर लेना यार, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करते हैं, ये दोनों आप याद कर लेना, जो 8 नंबर है ना और एक 10 नंबर है, ये दोनों आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ देगा। मीटर पर सेकंड में बताइए, किलोमीटर पर आवर बताइए, ये क्वेश्चन पूछ देगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 याद कर लो आप, और इसको भी चाहे तो याद कर सकते हो, ह्यूमन वॉकिंग एंड ह्यूमन रनिंग, ये चार पॉइंट है, प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लो, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे में, क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड, आगे न्यूमेरिकल्स ये सिर्फ है, न्यूमेरिकल्स पहले आप लोग खुद से देखना, उसके बाद मैं बताऊंगा, नहीं समझ में आता है तो चलो फिर फिलहाल देख लो क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम मे बी, हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी, कोई भी छोटा रहे कितना भी रहे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये तो बस इसी तरह से दोबारा, इसमें कुछ खास हमको लगा नहीं, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ ही लिए, ये शायद नीचे में न्यूमेरिकल्स है इसीलिए इस तरह से दे दिया, ये सैंपल पर सॉल्व करने के लिए, जैसे कि स्कूटरिस्ट है, यहाँ पे देखिए सैंपल प्रॉब्लम नंबर वन क्या बता रहा है कि जो एक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर मीटर मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर, तो सभी में निकालना है। चलिए सैंपल पेपर वन मैं आप सभी को बता देता हूँ कैसे बनाया है ये, और सैंपल प्रॉब्लम टू आप लोग अपने से बनाओगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको वहीं से शुरू करूँगा। यदि समझ में आ गया तो समय बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे मैं बता दूँगा, घबराओ नहीं।
यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, सैंपल पेपर वन देख लेते हैं। प्रॉब्लम 3 किलोमीटर गया 5 मिनट में, 3 किलोमीटर्स गया वो 5 मिनट में चला गया, तो उसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको कैसे निकाला है, ये किलोमीटर में है तो इसको हम पूरा कैच कैसे हम बदल दिए हैं सेंटी। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए को कैसे सॉल्व किया, तो जो 3 किलोमीटर है उसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और जो 5 मिनट है उसको हम लोग पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में इतना आ गया है, कुछ करना थोड़ी था, यूनिट बदल दिया है और कुछ नहीं किया है, बस जो 3 किलोमीटर है, जो 3 किलोमीटर दिया है ना उसको पूरा सेंटीमीटर बदल दिया। सेंटीमीटर में कैसे किया, तो एक एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो तीन किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में कितना जाएगा, 3000 मीटर। अब हमको 3000 मीटर मिल गया, अब क्या है सेंटीमीटर मीन्स क्या, 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3000 मीटर में कितना आएगा, 3000 × 100 तो कितना हो गया, 3000 मीन्स 300000 सेंटीमीटर, 300000 सेंटीमीटर, इस 300000 सेंटीमीटर नहीं आएगा, यस 300000 सेंटीमीटर, तो 300000 सेंटीमीटर आ गया। उसको फिर उसके बाद हम लोग टाइम को क्या किए हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, तो आ गया हमारा, सिंपल है और कुछ करना नहीं है। उसी तरह है किसमें, उसी तरह सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में बताइए, तो मीटर पर सेकंड में क्या आया था, 3 किलोमीटर, तो उसको मीटर में बदलना है, तो हमारा कितना आया था, 3000 मीटर, 3000 मीटर आया था, और सेकंड में बदल दिए यहाँ पे, और दोनों को क्या किए फिर से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में आपको बदल दिया है, 5 मिनट को क्या किया, पहले 5 मिनट को आवर में बदला है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में बदलना है, बताना है ना, तो यहाँ किलोमीटर है इसको छोड़ दिए हम लोग, टाइम को चेंज करना क्योंकि 5 मिनट में दिया, तो अब टाइम को हम मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना आ गया है। अब इसी को क्या किया है, पूरा डिवाइड कर दिया, मीन्स के डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सैंपल पेपर टू, ये आप लोग देखना और कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आया कि नहीं, ऐसे मैं कल यहीं से चालू करूँगा, कल तो संडे है तो कल मैं देखता हूँ, क्योंकि पूरा वीक का जो वर्क होता है संडे को ही मुझे तैयार कर लेना पड़ता है, आपकी जो भी क्लासेस लेनी रहती है, आपको जो भी यूट्यूब पर प्रोवाइड करना रहता है, मुझे पहले ही संडे को ये प्रोग्राम करना पड़ता है, तो शायद संडे को ना हो पाए, मंडे को मैं डालूं, तो एक दिन का तो छुट्टी बनता है मेरा भी ना, मुझे भी अपना कुछ कुछ काम है, तब तक मैं आप ही लोगों के लिए छुट्टी लेता हूँ, ताकि मैं आगे का प्लानिंग कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, जहाँ तक शेयर कर सकना कर सकते हो शेयर करो, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज सारा चीज़ बंद हो चुका है, घर ही में रहना है, तो घर ही में से कोर्स कंप्लीट करना है ना, पढ़ना है ना, आगे चल के कुछ बनना भी है, तो पढ़िए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। पार्ट वन का जो भी वीडियो है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जाके उसे भी देख लेना, और संडे को आपके पास फुल टाइमिंग है, पार्ट वन पार्ट टू दोनों देख लो, उससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, जो मैं मंडे को वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इधर जो मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताया, स्पीड बताया, स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये सभी को आप देख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि कहाँ नहीं समझ में आया, उसे क्या हुआ कि मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, और बाद में तो फिर पढ़ाना है ही, ताकि आप लोग को और बेहतरीन तरीके से
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होते होते आप आपको आगे ले चलूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।